कुमार ट्रेवल से। आज जिस जगह पे हम विजिट कर रहे हैं वो है क्योड़ा सॉल्ट पाइन। तो हमारे साथ हमारी टीम भी आई है, हम आगे चल के आपको बहुत सारी जगहें दिखाएंगे जो कि मेंशन हुई भी हैं। तो हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। ये अब जो है वो हम एंटर हो रहे हैं चांदनी चौक पर। ये रिसेप्शन बना हुआ है, यहाँ पे मस्जिद है, मीनारे पाकिस्तान है, शीश महल है, तालाब है। ये देखिए नाजिन, अब हम लोग जहाँ पर आए हैं ये है केवड़ा में मस्जिद। यहाँ पर ये कुछ लोग आके जो है वो नात खानी कर रहे हैं माशाल्लाह। इस जगह पे जाना जो है ममनून है क्योंकि यहाँ पे शायद काम वगैरह होता है कान में। ये देखिए कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सरकार। ये देखिए नाज़िम, ये चागे पहाड़ की मुनासबत से जो है वो इसको बनाया गया है। ये पूरा नमक के अंदर की कान है और ऐसा लग रहा है कि बर्फ के टीले जो है वो पड़े हुए, हालांकि सब ये सब नमक है। जो आपको लग रहा होगा बर्फ है, अरे ये सब नमक है। और माशाल्लाह से काफी खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस पे। और आगे चलते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं। और जी तो नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं, ये एक नमक का पहाड़ बनाया है इन्होंने यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत पहाड़ है ये मेरे पीछे। और आपको इसके शॉट्स भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये तीसरा मुकाम है केवड़ा नमक कान के अंदर। ये देखिए नाज़िम, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो असली नमक की बनी हुई है और इसके अंदर आपको ये लग रहा होगा, ये देखें ऐसा लग रहा होगा कि बर्फ जमी हुई है, हालांकि ये बर्फ नहीं है, ये नमक ही है क्योंकि काफी सालों से यहाँ पे लटका हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत मनाजिर है इस कान के अंदर के। और इन्होंने लाइटें लगा के इसको और ज्यादा खूबसूरत कर दिया है। आइए चलते हैं आप 23 मार्च की याद दिलाने वाले मीनारे पाकिस्तान पे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये लाइटें खड़ा के, ये लाइटें जल रही हैं, बुझ रही हैं। ये इन्होंने पूरा जो है वो नमक के कान से, नमक से जो है वो मीनारे पाकिस्तान बनाया है। ये देखिए, ये देखें, जी तो नाज़रीन अब हम आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे तरक्याती काम भी चल रहा है, कुछ ये लोग तरक्याती काम कर रहे हैं। ये जो है वो अगर मैं आपको बताना चलूँ, ये मेरे इस तरफ जो है अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये देखें सॉल्ट माइन की जो हिस्ट्री है इसकी याददाश्त के तौर पर ये बनाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ किन किन बादशाहों ने, किन मुग़लों ने इस खेत इसकी जो है वो बुनियाद रखी है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये देखें, ये देखें आप, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हमें याद दिलाती हैं कि ये किन किन जमानों से और कैसे कैसे जमानों में होके गुजरी है, ताकि आपको पता चले
आप लोग भी जरूर यहाँ पे आए, बहुत ही ज्यादा एडवेंचर प्लेस है ये सॉल्ट माइन। और ये बाकायदा आगे की हिस्ट्री हम आपको जाहिर सी बातें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे तरक्याती काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा कुछ सालों में यहाँ पे भी जो है वो हिस्ट्री के हवाले से और काम होगा। तो नाज़रीन हमारा सफ़र जो है वो जारी है, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है केवड़ा जो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आती है और यहाँ से नमक वगैरह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया में जाता है। और जो आपने सामान देखे होंगे घर में खूबसूरती के लिए वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे चीज़ें, तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन अब हम ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह एक और आई है, जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं उनकी याद ताज़ा हो जाएगी और जिन्होंने ये नहीं देखे हैं खूबसूरत मनाज़िर, तो हमारे चैनल SMR ट्रैवल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें ताकि उन्हें आइंदा के एडवेंचर की भी वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। ये देखिए ये एक खूबसूरत जो है वो नमक का वाटरफॉल है, अभी फ़िलहाल ये बंद है और यहाँ से ऊपर नमक का पानी आके यहाँ से आके और यहाँ पे वाटरफॉल की तरह बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ के जो कि आप देख सकते हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं वो मैं आपको बता चलूं, ये तमाम चीजें प्योरली नमक की हैं। मैप है नमक की कान का, केवड़ा सॉल्ट माइन का पूरा ये मैप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप आए तो आपको और ज्यादा आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को मसले होते हैं कि वो किस तरह से जो है वो मामलात करें, तो आप ये मैप देख के फॉलो करके यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, आपको तमाम चीज़ें जो है वैसी दिखेंगी जैसे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, इस घर के अंदर उसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नमक के पहाड़ हैं यहाँ पे अंदर जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत कान है, पानी है सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा होगा ये नमक है। ये देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो एक यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा एहसास, खुशगवार एहसास आपको मिलता है, जिस तरह आप अंदर जाते रहेंगे और अल्लाह की कुदरत वो देखेंगे उस तरह से आपको जो है खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि किस तरह खुदा ने हमें जो है वो इन नियमतों से नवाजा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको इसी तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लोर जो भी चीज़ें करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये देखिए ये काफ़ी अंदर है और आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी गूंज रही है यहाँ पे, तो एक बहुत ही अच्छा जो है प्लेजर लुक आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए और इंजॉयमेंट कीजिए ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता चले। ये देखिए देख रहे हैं आप मेरी आवाज़ भी गूंज रही है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इस चीज़ का। नाज़रीन ये था हमारा एक ट्रिप रिगार्डिंग केवड़ा सॉल्ट माइन और आपको मुख्तलिफ जगह भी हमने दिखाई यहाँ की अंदर की। होपफुली आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल SMR ट्रैवल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियो आपको मिले। वैसे आपके लिए ये खबर मैं दूंगा कि ये हमारा डे टू का ट्रिप था और आगे मजीद हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।